नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हैदराबादी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सभी को अपडेट मिल गया है कि 4000 आवर्स विद 1K सब्सक्राइबर इज मैंडेटरी टू एनेबल योर मोनेटाइजेशन, वरना नहीं होगा। फ्रॉम फरवरी 20 30 डेज का नोटिस पीरियड मिल चुका है यूट्यूब के यहाँ से। तो दो सवाल है मेरे कि क्या आपको ऑप्शन है इसको, मतलब जो मैंडेटरी है ये ना हो के भी क्या हम मोनेटाइजेशन को एनेबल रख सकते हैं, तो वो क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसमें मुझे पहला क्वेश्चन एक करना था यूट्यूब से कि जो क्लैरिटी नहीं आई है, वो बोल रहे हैं कि 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको 4000 आवर्स व्यू टाइम प्लस 1K सब्सक्राइबर्स होने जरूरी है, बट उन लोगों का क्या जो 5 महीने 6 महीने जो स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, तो उसका क्या होगा। खैर, ये इसकी बात अलग है। प्लस मैं बताना चाहता हूँ, दो रास्ते हैं, या तो ये जो मैंडेटरी थोपा गया है यूट्यूब के तरीके से, उसका बेनिफिट किसको जाएगा, ऑलमोस्ट उनको ही जाएगा। और उनको मान लीजिए, अगर एग्जांपल बता रहा हूँ कि डबल हो जाएगी उनकी इनकम, क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा एक तरफ से। जितने नए नए यूट्यूबर्स आ रहे थे, अभी उनको यूट्यूबर नहीं आएंगे, क्योंकि 4000 आवर्स प्लस 1K सब्सक्राइबर्स 12 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। और कोई भी इतना मेहनती, आउट ऑफ 100 पीपल्स माइट बी 1 or 2% लोग ऐसे होंगे कि इवन मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उनको अच्छा लगता होगा मतलब वीडियोस डालना। जैसे मैं हूँ, मैं तो कंटिन्यू डालूंगा अगर मेरे 4000 अगर मेरा एनेबल भी नहीं होता है मोनेटाइजेशन, तो अगर मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो शायद मैं लोगों की मदद करूँगा। बट ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दो क्या ऑप्शन हैं। तो उनका तो, जो बड़े लेवल पे यूट्यूबर्स है, उनका तो सेफ हो गया है दो चीज़, जैसे कि उनका पहली बात व्यूअर्स बढ़ेंगे क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, जो नए यूट्यूबर्स आ रहे वो बंद हो जाएगा, यानी उनका चैनल सब्सक्राइबर्स और सब ग्रो होगा। और पैसे जो है, मतलब जो ठीक ठाक चैनल जो 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं किए बट ओके सब्सक्राइबर्स बेस में है, वो लोग भी छोड़ देंगे मैक्सिमम लोग, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, बट फिर भी ऐसे हो रहा है, तो उनको बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी बात छोड़िए। देन फर्स्ट थिंग, मैं यूट्यूब को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी जब हम लोगों ने उठाया कि यूट्यूब इंडिया में ये सब ट्रेंडिंग में सारी चीज़ बकवास जो वीडियोज थे, बहुत जो नहीं आने चाहिए थे 18+ के, वो डालते थे, बट इट वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट दोज वीडियोज, क्योंकि उसको बैकलैश अपने एडवर्टाइजर्स जो बायकॉट किए थे 2-3 बार हो चुका है यार, तो ये तो स्टेप आना ही था। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि यूट्यूब ने जानबूझ के किया, बिकॉज उसको वो स्टेज में ला के खड़ा कर दिया था कि अब उनको कोई ऑप्शन नहीं था। तो ठीक है, तो अभी दो ऑप्शन ये है कि या तो आप जो मैंडेटरी थोपा गया है अपने ऊपर कि वो कंप्लीट करे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि MCN, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कंपनी है, बट थोड़े लोग थोड़े अच्छे भी कंपनी है जो कि MCN में हम लोगों को क्लब करके करता है, बट इस पर क्लैरिटी नहीं है यूट्यूब का कि MCN ज्वाइन होने के लिए भी क्या उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिहाज से उनको एनेबल करने के लिए है, क्योंकि मल्टी चैनल नेटवर्क का ही मतलब है कि एक तो शायद उसका कुछ अपडेट क्लियर कट अगर रहेगा तो जैसे कि बहुत सारे फ्रीडम वगैरह, अगर आपको कोई अच्छी सी MCN साइट या एजेंसी पता है तो वो कमेंट में लिखे, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प हो सके। तो दूसरी चीज़ है कि वो मैंडेटरी थिंग कैसे कीजिए। दोस्तों, एक एग्जांपल बताता हूँ जैसे कि आपको क्लियर कट आ जाएगा, जो कि मेरे बेस्ड ऑन मेरा एक्सपीरियंस है। पहली चीज़ आपको ये करनी होती है एज ए यूट्यूबर, आपको जो है एक यूट्यूब डिफॉल्ट दिया जाता है। मान लीजिए आप कुछ भी वीडियोस डालते हैं, पहले व्यूज नहीं आते, जैसे जैसे चैनल ओल्ड होता जाता है आपको व्यूवर्स मिलती है। मान लीजिए यूट्यूब के तरफ से आपके वीडियोस 100 लोगों के पास बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, बेस्ड ऑन थंबनेल अगर आपने अच्छा किया है, ऑन एवरेज आप ले लीजिए 10 से 20 लोग आपका वीडियो देखते हैं। देखने के बाद में ये होता है कि आपको सिर्फ 100 में से कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें 10-20 देख रहे हैं, बट वेन यू कोलैब विद ईच अदर मीन्स दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, चाहे छोटे हो बड़े, बड़े तो मैक्सिमम नहीं करते छोटे लोगों के साथ, हम जैसे लोग तो मिलके ही करना पड़ेगा,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोलैब करते हैं तो क्या होता है, जो विजिबिलिटी 100 की जगह है वो 200 हो जाएगा, आपको जो 20 मिलने वाले थे 40, तो जितने कोलैब होंगे वो वीडियो स्प्रेड होते जाएंगी, तो मतलब आपको व्यूवर्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लाइक्स, कमेंट, बट ये सब करने के बाद में आपको क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा, जो व्यू 4000 आवर्स का कंप्लीट करने के लिए आपको बेस्ट रहेगा कि ब्लॉगिंग। आजकल इंडिया में ब्लॉग बहुत देखा जा रहा है, तो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट ए ब्लॉग। आप एक अच्छी जगह चुन लीजिए जो आपके स्टेट या जो भी आपकी लोकेशन के पास है, जो लोगों को नहीं पता, और सोशल इश्यूज पे भी अगर कुछ है तो आप वीडियोस बना सकते हैं, उसको एक अच्छा ब्लॉग टाइप बनाइए। जैसे कि अभी ब्लॉग अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे बनाऊं, कैसे शुरुआत करूं, तो आप वो लेजेंड जो इंडिया में या फॉरेन में, जैसे केसी है और मुंबई में, मुंबई का निकल, तो बहुत सारे ब्लॉगर्स है, तो उनको देखिएगा कैसे एडिट करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एडिट कैसे करते हैं। मतलब वीडियो बहुत मेरे जैसे लोग हैं, देख के पता लग जाता है कि उसने कैसे एडिट किया होगा, तो वो आपको एक कला आनी पड़ेगी। और देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाउ इज डूइंग इट, तो क्या इंट्रो पहले लगा रहा है, बाद में लगा रहा है वो, और म्यूजिक कब कैसे यूज कर रहा है, या कंटिन्यू बात कर रहा है, या अच्छे सीन में म्यूजिक या फिर बातें या दोनों मिक्स करके बना रहा है, क्या है, ऑब्जर्व कीजिए, अकॉर्डिंग टू इट आप बनाइए। बट आपको भी अगर कुछ अच्छा एक्स्ट्रा लगता है तो डाल दीजिए, ताकि आजकल व्लॉग कैसे भी चलता है, बट जब तक आप कोलैब नहीं करेंगे, व्यू आपका जो चैनल, जब आपका वीडियो है, आपको विजिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो पहले आप कोलैब करने के बाद, मतलब व्लॉग्स वगैरह में भी कोलैब कीजिए, जितने ज्यादा लोग कोलैब करेंगे, मतलब जितने ज्यादा लोगों से आप कोलैब करेंगे, उतना ही बेहतर चांस है आपको 4000 आवर्स करने का जो चैलेंज है। जैसे ही आपको व्यूवर्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप कंटेंट अच्छे दे रहे हो, इसलिए वो 4000 आवर्स रिटेंशन बढ़ रहा है। तो आपको 1K सब्सक्राइबर्स का ध्यान देने की जरूरत नहीं, जस्ट इफ यू क्रॉस 4000 आवर्स का जो 12 मंथ्स का जो दिया हुआ है, देन यू ऑल सेट टू गो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 1K तो बहुत छोटा है। आई थिंक इफ यू एबल टू क्रॉस इट, देन यू माइट गेट 10K सब्सक्राइबर्स ऑल्सो वेरी सून। तो अच्छा है ऑप्शन ये, बस ये मेरा सजेशन था जो मैं फील किया हूँ, मीन्स एज पर माई एक्सपीरियंस मैं बताया हूँ। होप आपको वीडियो लगा होगा अच्छा, तो अगर आप मेरे साथ भी कोलैब करना चाहते हो तो वेलकम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया है वीडियो बहुत दिन पहले ही, जो भी एक छोटा छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, तो इफ दे वांटेड टू कोलैब विथ मी, दे आर मोस्ट वेलकम, तो बताइएगा कमेंट में, तो ताकि कोलैब शुरू कर सकें, भगवान करें।